हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ग्लोबल टूर। और आज हम हैं हरिद्वार में। माँ गंगा पीछे बह रही है, आप देख सकते हैं। ये घाट है, हर की पैड़ी का घाट है ये। और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पर हरिद्वार में कौन कौन सी घूमने की जगह है, कौन कौन से घाट है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, और कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट कि आप कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ पर आप बस स्टैंड के आसपास कौन सी जगह है जहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। और पूरा हरिद्वार का ट्रिप होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो बनाइए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करके के बाद बस स्टैंड बिल्कुल सामने है। यहाँ हमने एक रूम लिया है, करीबन 1500 रुपये का है, नॉन एसी है। और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करके के बाद फिर हम जाएंगे हर की पैड़ी की तरफ। हर की पैड़ी पहुँचने के लिए आप बस स्टैंड से ई रिक्शा ले सकते हैं या थ्री व्हीलर ले सकते हैं। और मैक्सिमम थ्री व्हीलर का या ई रिक्शे का रेंट आपको 2 से 3 किलोमीटर का 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। पर पर्सन भी चार्ज करते हैं ये लोग, तो 15 से 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। उससे आप हर की पैड़ी पहुंच सकते हैं। यहाँ हम होटल से निकल चुके हैं और हर की पैड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब करीबन 2 से 3 किलोमीटर होगा यहाँ से हर की पैड़ी। हाँ जी, 2 से 3 किलोमीटर है यहाँ से। ये देखिए, ये है यहाँ का प्राचीन गंगा मंदिर। और ये है हर की पौड़ी का एंट्रेंस। यहाँ से आप हर की पौड़ी के लिए जा सकते हैं। और इधर के साइड के जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से आप जा सकते हैं मनसा माता के लिए। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए आज मनसा माता नहीं जा रहे हैं। और हाँ, हरिद्वार अगर आ रहे हैं तो इस रास्ते पे देखिए मोहन जी पूरी वाले, ये फेमस शॉप है यहाँ की। अगर आप यहाँ आए तो ये पूरी सब्जी यहाँ की जरूर खाएं। चलते हैं हर की पौड़ी तरफ, चलते हैं अपन।
शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर पार्वती पति आदि आदि कल्याण करें ये आरती का लाल हो गया।